अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं व्हाट्स टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे और फोटोग्राफी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारी तस्वीरें और फोटोग्राफ्स देखी होंगी, मगर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे दुखी तस्वीर कौन सी है? दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो इस दुनिया की सबसे दुखी तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्चा भूख की हालत में है और पीछे एक परिंदा इस बच्चे को देख रहा है। ये तस्वीर सूडान मुल्क की है। इस फोटो को 1994 में केविल कार्टल ने कैमरे में कैद किया था, जिस पर उन्हें प्राइज भी मिला था, और इस तस्वीर की वजह से उन्होंने दुख और परेशानी की हालत में सुसाइड भी किया था। नंबर टू, दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी तस्वीरें मौजूद हैं, मगर क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तस्वीर कौन सी है? शायद आपको इसके बारे में पता ना हो। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप पर देख रहे हैं जो कि पुराने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर होती थी, यह तस्वीर दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तस्वीर है, यानी मोस्ट व्यूड फोटो। यह फ़ोटो फोटोशॉप के ज़रिए नहीं बनाई गई बल्कि 1996 में कैप्चर की गई थी, विंडो लॉन्च होने से कुछ देर पहले। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों मोबाइल के कैमरे से हम वीडियोज़ और फोटोज़ तो बना सकते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि आप मोबाइल कैमरे की मदद से अपने घर का टीवी रिमोट भी चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब तो नहीं है? इसके लिए आपने मोबाइल कैमरे के सामने उस टीवी रिमोट को लाना है और फिर उसका कोई भी बटन प्रेस करना है, तो उस वक्त आपको मोबाइल स्क्रीन पर ब्लू कलर शो होगा, जिसका मतलब यह है कि रिमोट ठीक है। आपको ब्लू कलर शो ना हो तो आपका टीवी रिमोट जो है वो ख़राब होगा। तो इसके बाद जो फैक्ट है हमारे पास वो यह है कि जिन 12 कैमरों को सबसे पहले चांद पर ले जाया गया था 1969 में, उन्हें दोबारा वापस नहीं लाया जा सका। इसकी वजह यह है कि चांद पर उन्हें 25 किलो का एक पत्थर मिला, इस वजह से उन कैमरों को वहीं छोड़ दिया गया ताकि आते वक्त वजन ज़्यादा होने का मसला ना हो। पत्थर से वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो चांद पर जो पहली तस्वीरें ली गई थी वो कैमरे चांद पर ही रह गए थे। नंबर फाइव, का सबसे पहला वेबकैम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में डिज़ाइन किया गया था, जो कि कॉफ़ी पॉट को मॉनिटर या कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, जिसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों दुनिया का पहला कैमरा जब उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था तो उस वक्त एक पिक्चर बनाने या कैप्चर करने के लिए 8 घंटे का वक्त लगता था, क्योंकि उस वक्त के कैमरे इतने मॉडर्न नहीं थे। कैमरे को आइडेंटिफाई करने में 8 घंटे लग जाते थे एक तस्वीर कैप्चर करने में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको नया कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।